भारत गुप्त रूप से बना रहा है काली 5000। ये बनाएगा भारत को सुपर पावर। धीरे धीरे समय के साथ युद्ध का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, और आज इसी बदलते स्वरूप के कारण आने वाले समय में भारत सामरिक दृष्टि से सुपर पावर बनने की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। सुनने में आपको भले ही यह बात अजीब लगे, लेकिन भारत के वैज्ञानिक गोपनीय तरीके से काली 5000 या कहें काली 5000 मिशन पर अनुसंधान में जी जान से जुटे हुए हैं। यह अनुसंधान पूरा हो जाने पर भारत की हवाई सुरक्षा अभेद हो जाएगी, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, और इसके बाद कोई भी देश भारत पर हमला करने के लिए 100 बार सोचेगा। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए लेजर जैसी अदृश्य बीम को फायर करके अपनी तरफ आ रहे आक्रामक हथियार को नष्ट किया जा सकता है। काली 5000 मिशन पूरा हो जाने पर दुश्मन के मिसाइल, विमान, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में उपग्रह को भी हवा में ही मार गिराया जा सकेगा, या यूं कहें कि कोई परिंदा भी आकाश में भारत की परमिशन के बिना पर भी नहीं मार सकता। जानकारों की माने तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस तकनीक को अन्य कामों में काम लेता आ रहा है। अब इसी तकनीक को परिष्कृत करने का काम चल रहा है। सैन्य ताकत को बढ़ाने में इसके इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है। DRDO भी इस मिशन में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका भी लेजर आधारित नई युद्ध प्रणाली का विकास कर रहा है। भविष्य की ऐसी हथियार प्रणाली भारत भी विकसित कर रहा है, लेकिन भारत की प्रणाली लेजर सिस्टम में बिल्कुल अलग है। जानकारों का मानना है कि अगर हिंदुस्तान काली 5000 नाम के इस हथियार का विकास करने में सफल हो जाता है, तो वह अमेरिका की तर्ज पर ही स्टार वॉर जैसी युद्ध प्रणाली भी विकसित करने में सक्षम हो जाएगा। कितना घातक होगा यह हथियार, काली 5000 किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह किसी से नहीं छुपा है कि पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान को किस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अपनी मिसाइल ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन के पास डेंगफेंग मिसाइलें हैं, तो पाकिस्तान के पास ही शाहीन 3 जैसी घातक मिसाइलें हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन की इस मिसाइल की ताकत को तबाह करने वाले हिंदुस्तान के एक सीक्रेट वेपन काली 5000 की योजना भी तैयार हो चुकी है। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर भविष्य में युद्ध का तौर तरीका बदलने की ताकत रखने वाला हिंदुस्तान का यह सीक्रेट हथियार लेजर गन नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन में बदलकर हाई एनर्जी वाली तरंगों में बदल देता है। हाई एनर्जी वाली ये तरंगें दुश्मनों की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों पर वे आवाज बिजली की तरह कहर बनकर टूटेगा और पल भर में ही दुश्मन को जलाकर खाक कर देगा। खबरों के मुताबिक काली पर लंबे वक्त से रिसर्च चल रहा है। इसके कुछ प्रोटोटाइप तैयार भी किए जा चुके हैं, लेकिन पूरी हथियार प्रणाली का विकास अभी भी जारी है और कुछ ही सालों में पूरा भी हो जाएगा। तो भारत भी तेजी से एक पावरफुल देश बनता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय। For more updates, subscribe to our channel.